सब्सक्राइब कीजिए SDST चैनल को, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखिए सबसे पहले। स्वागत है दोस्तों आपका SDST में। आज हम देखेंगे कि मैं एक हॉस्पिटल में आ चुका हूँ, यहाँ पर एक ब्लड चेकिंग की मशीन है। तो इस मशीन में इनका कहना यह है कि आप देख सकते हैं कैमरे में ये मशीन है, मतलब इनका कहना यह है कि मशीन में कुछ प्रॉब्लम है, लाइन सप्लाई नहीं हो रहा, तो ब्लड चेकिंग के लिए प्रॉब्लम आ रहा है। इसका प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करेंगे देखेंगे। मुझे बुलाया गया है खास तरीके से। कॉल आया था मेरे, दोपहर को ही कॉल आया था, तो मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैंने थोड़ा टाइम निकाल कर मैंने इवनिंग में आ चुका हूँ। तो चलिए इसको देख लेते हैं ओपन करके क्या प्रोसेसर है। तो लास्ट तक ये वीडियो देखते रहिए दोस्तों। तो मैं इस मशीन को ऑन करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर इसका पावर सप्लाई है, मैं इसको पावर सप्लाई ऑन किया। ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं पीछे जो लाल LED जल रहा है, मतलब ऑन हो चुका है, मतलब डिस्प्ले में कुछ भी नहीं आ रहा। तो हम फर्स्ट स्टेप इसका चेक करेंगे। पहले मतलब ये केबल तो ओके है, जो मेंस कॉर्ड वायर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, तो ये वायर तो ओके है, मतलब पावर सप्लाई तो आ रहा है इसमें। अब हम इसका फ्यूज सेक्शन चेक करेंगे। चेक करने के बाद फ्यूज डालकर चेक करेंगे, डिस्प्ले आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो आगे का स्टेप क्या फॉलो करना है मैं उसको बता देता हूँ। तो एक मिनट कैमरा खोल लेता हूँ, एक मिनट मैं इस मशीन को घुमा लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, नहीं बस रेनल, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका जो SMPS को जाने का जो ओल्ट है वहां पर लिखा गया है। यहाँ पर वार्निंग भी, मतलब वार्निंग दे रखा है, यानी कि एसी करंट होगा तो शॉक वगैरह लगने का चांसेस हो सकता है, बहुत ही केयरफुली से काम करना है। तो पहले हम इसको फ्यूज सेक्शन यही होगा, मेरे अंदाजा पे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से यहीं पर फ्यूज होगा। तो देख लेते हैं हम, तो इसको मैंने ओपन किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें दो फ्यूज हैं दोस्तों। इसको हम चेक करेंगे अब किस तरह से हैं। तो एक मिनट, तो मैं इस फ्यूज को चेक करूंगा, मतलब मल्टीमीटर को बीप बजर के रेंज पर रखना है। आप देख सकते हैं मतलब बीप का साउंड आ रहा है, जो फ्यूज ऑन होगा उसमें बीप का साउंड आया तो फ्यूज ओके, अगर बीप का साउंड नहीं आया तो फ्यूज डैमेज हो चुका है। इसमें देख सकते हैं आप फ्यूज में कोई बीप का साउंड नहीं आ रहा, यानी कि ये तो फ्यूज फेल है। अब दूसरा चेक कर लेते हैं इसमें बीप का साउंड आता है या नहीं। तो देखिए ये फ्यूज डैमेज है, एक फ्यूज अच्छा है, तो हम इस पे फ्यूज एक दूसरा वाला फ्यूज लगा लेते हैं। मतलब फ्यूज डालने से पहले कितना एम्पर है वो भी चेक करना है हमको। यहाँ पर एम्पर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, एसी का है 250 वोल्ट का है, मतलब अब कौन सा भी चलेगा। मेरे पास एक यहाँ पर फ्यूज है, ये डालकर हम देख लेते हैं। तो मैंने फ्यूज एंट्री किया, अब फ्यूज को हम इसमें डाल देते हैं। तो अब हम मशीन को ऑन करके देखते हैं, मतलब क्या पोजीशन है इसका। तो एक मिनट दोस्तों, ओके दोस्तों, अब आप देख सकते हैं मशीन में अब डिस्प्ले ऑन आ चुका है। मतलब इस तरह से आप ब्लड चेकिंग का मशीन जो है आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब मशीन बिल्कुल पूरी तरह से ऑन है, आप देख सकते हैं पूरी तरह से ऑन है, मतलब अब बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। मतलब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब करने से ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूंगा। ये ब्लड चेकिंग की मशीन अब पूरी तरह से ऑन हो चुकी है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये मतलब ब्लड चेकिंग के एक्सपर्ट हैं, मतलब इन्होंने डॉक्टर के जरिए मुझे कॉल किया था, तो इनका प्रॉब्लम अब मशीन जो है पूरी तरीके से ऑन हो चुकी है। क्या लगता है आपको, मशीन पूरी ऑन हो चुकी है? ऑन हो गई। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों।